मेरा सवाल आपसे ये है कि आप तो खैर मुंबई में ही, आदमी को रिएक्शनरी होना ज़्यादा फ़ायदेमंद है या दूरदर्शी भविष्यवक्ता प्रेडिक्शन मारने में? क्या करना चाहिए ज़्यादातर मार्केट में? नीरज जी, भविष्य तो किसी को नहीं मालूम कि भविष्य किसका कहाँ जाएगा। अरे कितना लोग बताते रहते हैं, अभी कोई पर्सनली ना ले, चार्टिस्ट लोग बताते हैं ना, अभी 27,300 है ना, 26,900, ये भविष्यवक्ता ही तो है ये सब, और क्या है ये? नहीं, भविष्यवाणी करनी जो है वो एक बात होती है, और एक ऐसे कहना कि ये बिल्कुल ही हो जाएगा सर्टेनिटी के साथ, वो चीज़ अलग होती है। मुझे लग रहा है एक चीज़ कॉमन डेफिनेटली है कि इंडिया का जो भविष्य है वो बहुत अच्छा है, इसमें किसी को कोई दो मत वाली बात नहीं है। हम लोग बाहर लिक्विडिटी की कर रहे हैं, मार्केट की रैली की कर रहे हैं। लिक्विडिटी के ऊपर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, कम लोगों ने पास्ट में कई सारे एपिसोड्स के अंदर में इसको अलग अलग तरीके से डिस्कस किया है। मैं इसको शायद थोड़ा सा एक्सट्रापोलेट और करना चाहूँगा आज के एपिसोड से, कि मार्केट के अंदर में एक चीज़ जो हुई है वो हम नज़रअंदाज कई बार कर लेते इस डिस्कशन में, वो ये है कि मार्केट के पार्टिसिपेंट्स बढ़ गए हैं। ये वो बेस नहीं है जिस बेस पे आपने हिस्ट्री देखी है मार्केट की। बेस बहुत बड़ा है आपका। जब बेस बढ़ गया है, बेस के साथ आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है, लोगों के पास जो पैसे एवेन्यूज़ हो गए हैं, जब आप उस क्वांटम को लेके आते हो तो आपको दिखता है कि भाई कितनी बड़ी लिक्विडिटी सिस्टम में आ गई। तो लिक्विडिटी को देख के नर्वसनेस जो हो रही है वो मुझे जस्टिफाइड नहीं लग रही है, बिकॉज लिक्विडिटी जेन्युइनली है, ये कोई लेवरेज्ड लिक्विडिटी नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। मैं लोन लेके अगर मैं मार्केट में लगा रहा हूँ तो फिर ये 2008-07 में कुछ ऐसा हो चुका था जहाँ पे हमने देखा था कि कितने लेवर्ड FNO के अंदर में पोजीशंस होते थे। अभी इतने नॉर्म्स, इतनी सारी चीज़ें, इतनी फाइन सिस्टम्स आ गई है कि अब वो सब होना तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट नामुमकिन जैसा ही हो रखा है। अब बस बात ये है कि भाई किसके पास कितने पैसे हैं मार्केट को या स्टॉक को ड्राइव करने के लिए, तो वही हो रहा है। मार्केट चल क्यों रहा है या वापस इस तरह में हम लोग बार बार क्यों देख रहे हैं कि मार्केट नया हाई बना रहा है? बिकॉज यहाँ रोटेशन भी हो रही है, इसे भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब FI बिल्कुल रुका हुआ था करीबन 8 से 9 महीने तक बिफोर द इलेक्शन, एंड मुझे अच्छी तरह से याद है कि इलेक्शन के एग्जैक्ट एक हफ्ते पहले के एपिसोड में ये डिस्कस हुआ था और मैंने ये स्टेटमेंट दिया था कि FI डेटा ड्रिवन होता है। सामने आप जब देखेंगे कि रियल में आपके इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आए उसमें BJP वापस आ गई, तो आप ये ट्रेंड चेंज होता हुआ देखेंगे। तब तक भले ही हम इस रूम में कितने भी डिस्कशन कर लें कि 100% नई गवर्नमेंट जो है वो सेम गवर्नमेंट प्रीवियस है, वो वैसे FIs काम नहीं करते। तो मतलब कोई एक पार्टी कैश में खड़ी थी जो FIs थी, जिनके पास हमेशा से डेफिनेटली इक्विवेलेंट पैसा जो DI के पास था उतना पैसा है उनके पास। अब वो वापस अब मार्केट के अंदर में लौट आए, तो जो ये लौट आए हैं और अब किस क्वांटम में ये बाई कर रहे हैं, इसलिए अब ये रैली कंटिन्यू में चली गई, बिकॉज अगर कोई और थक रहा है तो कोई और आगे चला रहा है। सो दिस इज द स्पाइरल बाउंड ऑफ लिक्विडिटी। आई थिंक सो एक प्लेबुक जैसा फॉलो हो रहा है, जहाँ लोगों ने पैसे भी बनाए हैं, लोग पैसे भी बना रहे हैं, और रियल में कोई ऐसी इवेंट नहीं दिख रही है सामने जो कि मेजर कंसर्न हो। बल्कि फॉर दैट मैटर जो भी इवेंट जो लग रहा था उस समय कि एक मेजर कंसर्न हो सकता है, उसे मार्केट ने सिर्फ 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन तक ही रखा। उसके बाद वापस मार्केट अपने वापस एक लूप में चला गया, तेज़ी की तरफ चला गया। सो मुझे लग रहा है कि मार्केट में एक तरह से कॉन्फिडेंस बना हुआ है, इकोनॉमी में लिक्विडिटी बनी हुई है चारों तरफ से, चाहे वो FI की हो, DI की हो, वो एक मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है। अब उसके अंदर में अगर आप पैसे भी बनाते जा रहे हैं तो कोई भी इंसान फिर इसे क्यों छोड़ना पुल बैक करेगा? सो भले ही अनकंफर्टेबल जोन है, इसे देख के कोई भी इंसान यही सोचेगा कि भाई अब ये कहाँ तक चलने वाला है। एंड ऑफकोर्स ये कंसर्निंग है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है, मगर एक अच्छा लाइन डेफिनेटली मैं एग्री करूँगा जो मेरे कलीग ने कहा कि आप अल्टीमेटली अगर मार्केट में पैसे बनाने आए हैं तो किसी को नहीं मालूम है यहाँ पे कि मार्केट का बॉटम क्या है और टॉप क्या है, और उस चक्कर में अगर आप तेज़ी मंदी ढूंढने जाएंगे तो आप वेल्थ तो नहीं बना सकेंगे। तो डिफ़िकल्ट होता है ऐसे सिनेरियो में भी रहना, जहाँ मार्केट तेज़ी में जा रहा है उतनी ही डिफ़िकल्ट जब मार्केट मंदी में रहता है, और दोनों को ही डाइजेस्ट करते हुए आगे बढ़ना डेफिनेटली इन्वेस्टर एज अ क्लास इतना ईजी नहीं है, और ये आपको देखना ही पड़ता है। अभी अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छे दिन में हैं तो उसे एंजॉय करिए, और थोड़ा तो लॉजिक डेफिनेटली होना ही चाहिए कि थोड़ी सेंसिबिलिटी भी हो कि कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना है और कहाँ रुक जाना है। तो वो सेंसिबिलिटी में इन्वेस्टर के पास रहने एक सवाल और मुझे आप समझना है, जैसे लोग कह रहे हैं कि इस समय आपको लार्ज कैप की तरफ जाना चाहिए, मिड कैप, एक बड़ी डिटेल बहस लोगों की चलती रहती है कि अब इधर छोड़ो उधर छोड़ो। फिर उदाहरण देखें, देखो डिफेंस वाले ऊपर से 30-30% करेक्शन पे आ चुके हैं, मार्केट न्यू हाई पे है और वो 30% करेक्शन में है। रेलवे वाले भी देखो अब चलना बंद हो गए हैं। क्या इसको ऐसे देखना चाहिए कि सेक्टर रोटेशन, अब लोग उधर को लगता है कि चलो इधर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, तो वो जो मैंने आलू वाला उदाहरण दिया था कि पहला बायर सबसे अच्छी आलू खरीदता और सबसे आखिरी वाला सबसे ख़राब, लेकिन प्राइस सेम पे करता है वो। ये वो हो रहा है क्या कि अभी कुछ दिन बाद उनको बैंक महंगा लगने लगेगा, वो फिर डिफेंस में लौट जाएंगे, ये हो रहा है। सो इसके पहले वाले सेकंड वाले पार्ट को मैं एड्रेस करना चाहूँगा, जहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि टिपिकली जो बेस्ट क्वालिटी के स्टॉक्स होंगे वो शायद पहले किन्होंने ले लिए और लास्ट में अब आपके पास शायद लो क्वालिटी के स्टॉक्स आएंगे। इसमें ये हो रहा है कि आप देख रहे हो आईपीओ भी कंटिन्यूस आ रहा है, मतलब नई सप्लाई भी मार्केट में आ रही है और वो क्वालिटी सप्लाई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इवन अगर कोई सर्टेन क्वालिटी के स्टॉक जो पहले से प्री डिटरमाइन हम जानते थे, उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, अब आप नए नए पार्टिसिपेंट्स को देख रहे हो। अगर आप लास्ट 2 साल में देखोगे कि कितने टाइप के आईपीओ, कितनी वैरायटी के कंपनी आ रही है, तो चॉइसेस की अभी कोई कमी नहीं रही और वही रोटेशन में मार्केट घूम रहा है। रही बात सेक्टर की या लार्ज कैप की, स्मॉल कैप की, आई थिंक सो जैसे मैंने कहा मार्केट एक्सपांड हो चुका है। एफआईज हिस्टोरिकली एफआईज ने हमेशा निफ्टी के बड़े जो स्टॉक्स है 50 वो ही वहाँ पे वो प्रेफर करते हैं। और एक महीने की अगर हम तेज़ी निकाल के देखें जिसमें इंडेक्स अगर परफॉर्मेंस देखें तो निफ्टी 50 एक्चुअली फर्स्ट टाइम आप देखोगे जहाँ सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म कर रहा है स्मॉल एंड मिड कैप को। आई थिंक सो 5 से 6% निफ्टी 50 ऊपर है एंड शायद आधा और 1% जो है वो स्मॉल कैप ऊपर है, विच मीन्स कि 5% का अल्फा जो है वो आपको निफ्टी से मिला। एंड एफआई की भी हाईएस्ट बाइंग जो है इसी टाइम भी हुई, तो कोई इंसिडेंस नहीं हो सकता। इसका मतलब हर इन्वेस्टर का अपना एक चॉइस होता है, जिनको जो पसंद है। आपने भी राइटली कहा कि अगर कोई गोल्ड का एक बायर है जो अगर कहीं पे कोई बैठा हुआ है तो फिर उससे मार्केट चल रहा है, तो किसी और को बॉदरेशन क्यों होनी चाहिए। सो बिल्कुल वैसा है। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आपको कोई एक पर्टिकुलर कोई निफ्टी की 50 को देखना चाहिए कि स्मॉल कैप को देखना चाहिए। आपको ओवरऑल आपको जो समझ में आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट मैं ये लाइन कहना चाह रहा हूँ, जो समझ में आ रहा है वो करिए। इन दिनों में थोड़ी ये तो ज़रूर माहौल बनी है जहाँ लोग समझना कुछ नहीं चाह रहे, एक ही सवाल पूछते हैं पैसा कहाँ बनेगा, जहाँ लगा दूँ, तो थोड़ा ये डरावना सवाल होता है। मुझे लग रहा है कि इससे थोड़ा बचना चाहिए। नहीं, ऐसा हो गया। देखो ये तो इस बाज़ार में आप कुछ भी के लिए पैसा तो बन रहा है लोगों का,